फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात, जोहार झारखंड। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स कॉनिक सेक्शन ऑफ क्लास स्टैंडर्ड 11। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं बताने जा रहा हूं कॉनिक सेक्शंस के बारे में, तो आप लोग माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए कि ये कॉनिक सेक्शंस क्या है और इसके अंदर क्या क्या है। तो पूरे कॉनिक सेक्शन, सेक्शंस मींस होता है डिवाइड करना, सेक्शंस बाय क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन करना। तो पूरे कॉनिक सेक्शंस को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सर्कल, दूसरा है पैराबोला, तीसरा है इलिप्स एंड चौथा है हाइपरबोला। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, टुडे आई डिस्कस अबाउट द फर्स्ट सर्कल्स। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ऑलरेडी आप लोग सर्कल्स के बारे में फ्रॉम स्टैंडर्ड क्लास 5-6 से लेके अप टू क्लास 10 तक सर्कल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और उसमें क्या क्या पढ़े हैं, उसमें आप डिफाइन सर्कल्स पढ़े होंगे, उसमें आप लोग पढ़े हैं डायमीटर क्या है, आर्क क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स क्या है, एरिया ऑफ सर्कल्स क्या है, सेमी सर्कल्स क्या है, उसका पेरीमीटर एंड एरिया क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल्स पढ़ चुके हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल्स पढ़ चुके हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल्स पढ़ चुके हैं। वही पुराना चीज क्लास 11th में भी पढ़ना है, लेकिन पुराने चीज को नए तरीका से, नए टेक्निक से, नए मेथड से आप लोग को 11th क्लास में सर्कल्स के बारे में लर्न करना है। तो मैं इजी वे से सर्कल्स के बारे में बताने का प्रयास करूंगा और आप लोग किसी भी एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे, वही मेरा प्रयास रहेगा। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, सर्कल्स के बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले सर्कल्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसको जानने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले ये जो सर्कल्स है, तो आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो है रिक्वायरमेंट। तो सर्कल्स के बारे में पढ़ने से पहले आपका रिक्वायरमेंट रहेगा कि फाइन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, नंबर टू फाइंड सेंटर, फाइंड रेडियस एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स अबाउट एक्सिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग का जो 11th क्लास में सर्कल्स पढ़ना है कॉनिक सेक्शंस के अंदर, उसमें आप लोग को जानना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल्स कैसे निकालेंगे, उसमें सेंटर कैसे निकालेंगे, रेडियस कैसे निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ सर्कल्स अबाउट एक्सिस। तो इसके जितना भी आप लोग का पोर्शन है, चाहे सर्कल्स हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो एंड हाइपरबोला हो, वो दो एक्सिस के अंदर ही आप लोग को स्टडी करना है। एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। तो एक्स एंड वाई एक्सिस के अंदर जो सर्कल्स बनेगा उसका इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और उसमें से हम लोग किसको सेंटर बोलेंगे, किसको पॉइंट्स बोलेंगे, किसको रेडियस बोलेंगे
और कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे और आप लोग लर्न करने का कोशिश कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, एक्स ओ एंड एक्स डैश एक्स एक्सिस एंड वाई वाई डैश वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस। तो ये जो फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से हम लोग कैसे किसी भी पॉइंट का रेडियस कैसे निकालेंगे। सपोज पी का जो पॉइंट है, पी का जो टचेस किया है इस सर्कल्स में, तो मान लीजिए एक्स एंड वाई पी पॉइंट है, यहाँ पे ओ है, तो सेंटर या ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, तो एच एंड के सेंटर का पॉइंट हम एच एंड के लिए। तो ये जो ओपी आया, इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक्स सर्कल्स। तो यहां से जो ओपी हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो हम लोग ये जो रेडियस निकालेंगे, तो हम याद दिलाना चाहेंगे आप लोग को, जो 10 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी का यूज करते हुए इस सर्कल्स में रेडियस निकालेंगे। तो हम लोग तो ओपी के लिए हम लोग निकालेंगे, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से एंड वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ओपी का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, एक्स टू मतलब एक्स, एक्स वन एच का स्क्वायर एंड वाई टू वाई एंड वाई वन के का स्क्वायर। तो इंप्लाइज दैट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर एंड वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन हम लोग निकाले यहां पे, इसी इक्वेशन को हम लोग रेडियस बोलते हैं ओपी को। तो ओपी का जो रेडियस हम निकाले और जो एक इक्वेशन क्रिएट होके आया, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, इस सर्कल्स के अंदर जो बेसिक नीड्स, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको माइंड में सेटअप करने का प्रयास कीजिए। यदि ये बेसिक आप लोग का रिक्वायरमेंट जो है, जो बेसिक नीड्स है, ये माइंड में सेटअप हो जाएगा, तो एग्जाम में जब इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जो इक्वेशन हम लोग यहाँ से फाइंड आउट किए इस सर्कल्स के अंदर, कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वेयर आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल्स एंड एच एंड के सेंटर ऑफ सर्कल्स एंड ओपी जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। एंड सेकेंड थिंग्स, चलिए अब जब एक्स एक्सिस रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, चलिए इसका भी देख लीजिए। तो नंबर वन पिक्चर हो गया, नंबर टू पिक्चर, यदि आपको एक्स एक्सिस के लिए बोला जाएगा तब उसका सर्कल्स का इक्वेशन क्या होगा। तो जब एक्स एक्सिस बोला जाएगा तो ये आपका आएगा एक्सिस ए, एक्स ओ एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो ये एक्स एक्सिस में यदि हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये आपका पिक्चर बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर एच हो जाएगा, के जीरो हो जाएगा। जब एक्स एक्सिस बोला जाएगा तो के इक्वल टू जीरो माना जाता है। और ये जो पॉइंट आएगा पी का पॉइंट, ये एक्स एंड वाई, तो ये ओपी का जो हम लोग लेंगे ओपी, तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर एंड
y माइनस जीरो का स्क्वायर। तो डेट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू ये आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन होगा जब x एक्सिस के लिए बोला जाएगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएगा कि r square is equal to x minus h का whole square plus y square। तो that means x minus h का square plus y square is equal to r square। इसको equation number है ना, this equation is called x axis of circles। same to same, जब y axis कहा जाएगा, same to same जब y एक्सिस के लिए कहा जाएगा तब उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा h इक्वल टू जीरो हो जाएगा, h इक्वल टू जीरो। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्सिस y एक्सिस में ड्रो करना है तो ये y o y डैश x o m डैश, तो ये सर्कल ड्रो हो जाएगा और इस पॉइंट में सेंटर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट में जीरो हो जाएगा एच और यहाँ पे के हो जाएगा। और पी का जो पॉइंट है, पी का पॉइंट यहाँ पे, पी का पॉइंट जो है वो रह जाएगा एक्स एंड वाई। तो जब इसका इक्वेशन हम लोग निकालेंगे तब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इक्वल टू व्हाट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो मेरे कहने का मतलब है कि y एक्सिस जब बोला जाएगा तो सेंटर का जो h होगा वो जीरो हो जाएगा h एक्सिस का, मतलब y एक्सिस के लिए, और k बच जाएगा। तो जब इसका इक्वेशन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है इससे पहले ही हम रिक्वायरमेंट बता दिए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि चलिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर वन टाइप वन कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ गिवन द सेंटर एंड रेडियस, रेडियस ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो यहां समझने का कोशिश कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, पहला टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल्स ऑफ गिवन द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। मान लीजिए नंबर वन का रेडियस 2 एंड 3 है, सेंटर सॉरी यहां पे सेंटर लिखिए, मान लीजिए सेंटर इज इक्वल टू 2 एंड 3 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 एंड नंबर 2 सेंटर इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 4 एंड रेडियस इज इक्वल टू 3। तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो इक्वेशन हम लोग इससे फाइंड आउट किए हैं इसी को चेंज करके लिख के ये वैल्यू पुट कर देना है। तो चलिए करके दिखाते हैं। चलिए तो नंबर वन, अब सॉल्यूशन नंबर वन पहले मान कीजिए कि यहां पे सिंस करके लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हाट, तो क्या हम लोग निकालें एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पुटिंग एच इक्वल टू सेंटर से एच इक्वल टू 2 and k is equal to 3 and r is equal to what 5। अब यहां से बैठा देंगे, जब बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा x minus
टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर एंड फाइव का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव का स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी फोर एक्स प्लस टू प्लस प्लस यहाँ पे फोर एंड प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन इक्वल टू फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव। तो इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस थर्टी और ये ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो, ये पॉजिटिव है इधर ले आए नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई और माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ये जो रिजल्ट आया यही आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल्स का रिजल्ट आया। तो मेरे कहने का मतलब है माई डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग को इक्वेशन ऑफ सर्कल्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो आपका सेंटर और रेडियस का वैल्यू दिया रहेगा गिवन। तो सेंटर का जो वैल्यू रहता है ये होता है सेंटर का एच एंड के का वैल्यू एंड रेडियस मतलब आर का वैल्यू। तो आप लोग को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन लिख लेना है। क्या पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये सारा इस इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना है। अब पुट करके सिंप्लीफाई कर देना। तो सेम टू सेम जो सेकंड क्वेश्चन है सेम टू सेम यही काम करना है। मान लीजिए टू एंड फोर है तो चलिए टू वाला भी हम करके दिखा देते हैं। तो यहां भी हम लोग सेकंड का भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और सीन्स करके क्या लिख देंगे कि सीन्स इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहां पे इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहां पे पुटिंग कर देंगे, पुटिंग एच का वैल्यू कितना है, हाउ मच माइनस टू है यहां पे माइनस टू बिठा देना है एंड के का वैल्यू कितना है फोर यहां पे फोर वर्क पुट कर देना है एंड आर रेडियस हाउ मच थ्री एंड थ्री पुट करना है। तो चलिए इसमें हम लोग पुट कर दीजिए वन इक्वेशन वन। तो इंप्लाइज दैट एक्स और माइनस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के फोर का स्क्वायर इक्वल टू थ्री का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब आर का थ्री है तो थ्री का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी फोर एक्स और प्लस फोर बी स्क्वायर एंड अगेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस सिक्सटीन इक्वल टू नाइन। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट वाई एंड प्लस ट्वेंटी माइनस नाइन नाइन इधर ले आए। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट वाई एंड प्लस एलिवन इक्वल टू जीरो। तो ये जो रिजल्ट आया तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आसानी से फाइंड आउट हो सकता है। तो जो आप लोग फ्रॉम स्टैंडर्ड फाइव सिक्स से लेकर टेन तक जो पढ़ रहे हैं चीज वही है, लेकिन इलेवेंथ क्लास में उसी चीज को नया टेक्निक नया मेथड और नया प्रोसेस से आप लोग को लर्न करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स इस चीज को देखने से आप लोग को पता चल गया होगा कि किसी भी बुक से क्वेश्चन रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बोर्ड और टीचर इंडिपेंडेंट होता है कि आपको जो बुक्स प्रोवाइड किया गया है या आप जिस बुक से स्टडी कर रहे हैं उससे क्वेश्चन रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है।
आपको माइंड में क्या सेटअप करना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल्स निकाला कैसे जाता है, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स अबाउट एनी क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, सेंटर रेडियस दिया रहेगा, आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल्स ये माइंड में रखना है, वैल्यू को पुट करना है और सिंप्लीफाई कर देना है, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका सॉल्यूशन होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ये इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, इससे देखने से, इस टाइप का क्वेश्चन देखने से आप लोगों का माइंड में आ गया होगा कि आप लोग स्वयं भी डिफरेंट टाइप का सेंटर, डिफरेंट टाइप का रेडियस लेके इक्वेशन ऑफ सर्कल्स क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो आर टी शर्मा से रहे या नहीं रहे उससे भी कोई मतलब नहीं है, और आर एस अग्रवाल से रहे या नहीं, अबाउट एनी पब्लिकेशंस। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, यदि किसी पब्लिकेशन का, यदि उस मैथ्स का कोई राइटर यदि लिखा है अपना दिमाग से, तो आप लोग भी अपना दिमाग उस जगह पे लगाने का कोशिश कीजिए कि जो पॉइंट हम लेके बनाए वो कोई और दूसरा पॉइंट लेके सॉल्व किया है, वो कोई दूसरा पॉइंट लेके बताने का कोशिश किया है। इस बात को आप लोग को भी लर्न करने का प्रयास करना है, स्वयं क्वेश्चन को क्रिएट करके प्रैक्टिस करने का कोशिश करना है। तो चलिए सेकंड टाइप का भी दिखा देते हैं, टाइप टू, क्वेश्चन नंबर वन की फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इस इक्वेशन से आपको सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ सर्कल्स को लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये जो इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, इस इक्वेशन के साथ इसको टेली कराए, इससे कंपेयर कीजिए और इसी फॉर्म में इसमें लाने का कोशिश की। तो यहाँ पे h मिसिंग है ना, तो इस चीज को हम लोग नाउ इस चीज को यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस थ्री है ना, तो y माइनस और माइनस थ्री का होल स्क्वायर कर दीजिए एंड इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइव का स्क्वायर हो जाएगा। अब कंपेयर विथ है ना, तो अब यहाँ पे कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर विथ इक्वेशन फर्स्ट, तो देयरफॉर h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे h इक्वल टू देखिए कंपेयर कीजिए जीरो हो जाएगा एंड k इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा एंड r इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव निकल गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस करके लिख दीजिए कि हेंस सेंटर इक्वल टू h एंड k, तो देयरफॉर h का वैल्यू जीरो एंड k का वैल्यू माइनस
3 and radius is equal to 5. तो my dear friends, मेरे कहने का मतलब है कि इस जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल्स के साथ कंपेयर करना है और कंपेयर करके इस फॉर्म में लाके आपको एच यानी के का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा उसका सेंटर, एंड यहाँ पे जो स्क्वायर रूट में आएगा इसका यदि रूट रहेगा तो रूट होगा, और यदि रूट नहीं रहेगा मान लीजिए 25 है तो 5 का स्क्वायर हो गया तो रेडियस 5 हो गया। तो इस टाइप से हम लोग कंपेयर करके किसी भी इक्वेशन को इक्वेशन से सेंटर एंड रेडियस निकाल सकते हैं इजी वे से। चलिए और दूसरा क्वेश्चन भी लेके दिखाते हैं, इसका दूसरा भी क्वेश्चन दूसरा टाइप का भी लेके चलिए दिखाते हैं। मान लीजिए आपका वो तो सिंगल वेज है, मान लीजिए इस टाइप का आ गया आपका है ना, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फ्लोइंग फ्लोइंग क्वेश्चंस या फ्लोइंग इक्वेशन जो भी दिया रहेगा। मान लीजिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, मान लीजिए 36। अब यहां से हम लोग सेंटर एंड रेडियस कैसे निकालेंगे, तो सेम टू सेम माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल्स लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब इस चीज को इसके साथ कंपेयर कीजिए, क्या मिसिंग है, 36 मिसिंग है, स्क्वायर फॉर्म में इसको लाना है। तो ना क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन को लीजिए और कंपेयर करो, कंपेयर विथ इक्वेशन फर्स्ट। तो ध्यान दो k के साथ है ना, तो यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, तो ध्यान दो h इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, यहां माइनस है यहां माइनस, तो ध्यान दो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एंड r इक्वल टू क्या हो जाएगा r इक्वल टू। अब हेंस करके लिख दीजिए कि हेंस सेंटर इज इक्वल टू एच एंड के, और एच के का वैल्यू लिख दीजिए क्या हो जाएगा -3 and 4 एंड रेडियस इज इक्वल टू 6। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन किसी भी पब्लिकेशन से बुक से रहे या नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग को माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए ये इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, ये यदि माइंड में रह जाएगा और आप लोग माइंड में सेट कर लिए तो कहीं का भी क्वेश्चन रहे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, आई एम 100% श्योर if you have mindset of about this process and method, so you can solve about any questions in examinations hall confidently. So, so my dear friends, यदि किसी पब्लिकेशन के बुक का उस मैथ्स का राइटर यदि खुद से अपना दिमाग लगा के लिख सकता है तो आप लोग भी कोशिश करने से आप लोग भी डिफरेंट टाइप का डिजिट लेके कभी प्लस लीजिए कभी माइनस लीजिए कभी रूट लीजिए कभी विदाउट रूट लीजिए और इस टाइप का क्वेश्चन क्रिएट करके स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैथ्स का जो राइटर होता है वो भी एक इंसान होता है,
यदि वो लिख सकता है तो आप भी लिख सकते हैं। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स कि किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन रहे या नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है। उस सेक्शंस का जो भी टॉपिक्स है या जो भी चैप्टर है उस टॉपिक्स का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, जो फॉर्मूला होता है, जो रूल्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है न कभी चेंज होगा। उसी रूल्स के अनुसार आप लोग को क्वेश्चन क्रिएट करना आ जाना चाहिए स्टडी करने के बाद। अभी जो जितना हम बताएं आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन कभी प्लस कभी माइनस कभी रूट कभी विदाउट रूट लेके खुद से उस रूल के अनुसार क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, यदि उसका प्रोसेस एंड रूल्स आपका माइंड में सेटअप हो गया तो क्वेश्चन कहीं से भी देने दीजिए, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सो माय डियर फ्रेंड्स आज इतना ही, दो टाइप का क्वेश्चन करवा दिए और एक क्लास लेंगे इसका। और एक जो एक्सिस, यदि एक्स एक्सिस रहेगा तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब वाई एक्सिस रहेगा उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब डबल इक्वेशन रहेगा उसका रेडियस निकाल के फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल्स निकालेंगे, फिर दो तीन टाइप का और बताएंगे नेक्स्ट क्लास। आज इतना ही माय डियर फ्रेंड्स एंड आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इस टाइप से माइंड में सेटअप करने का प्रयास कीजिए और लर्न करने का। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू।